तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम ऐना होता है और वो अपने दोस्त के कहने पर एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले इंटरव्यू ऐना की दोस्त लेने वाली थी लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण ऐना को ही जाना पड़ता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐना क्रिस्टियन के पास इंटरव्यू लेने के लिए जाती है तो वो क्रिस्टियन को देखकर वैसे ही नर्वस हो जाती है जिसकी वजह से वो ठीक से उसका इंटरव्यू नहीं ले पाती क्योंकि क्रिस्टियन काफी ज्यादा स्मार्ट दिख रहा था। लेकिन ऐना के काफी ज्यादा नर्वस होने के बाद भी क्रिस्टियन उससे इम्प्रेस हो जाता है और ऐना के बिना पूछे ही वो इंटरव्यू के सभी सवालों का जवाब ऐना की दोस्त के पास मेल कर देता है। और फिर अगले ही दिन ऐना की मुलाकात दोबारा क्रिस्टियन से हो जाती है और हम देखते हैं कि जिस शॉप पर ऐना काम कर रही होती है उसी शॉप पर क्रिस्टियन आ जाता है और यहाँ पर क्रिस्टियन ऑफर देता है कि वो ऐना की दोस्त के लिए एक फोटो शूट भी करवाने के लिए तैयार है अगर ऐना उसके साथ कॉफी पीने के लिए रेडी हो जाए तो। और क्रिस्टियन की ये बात सुनने के बाद ऐना उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और फिर फोटो शूट कम्प्लीट होने के बाद क्रिस्टियन ऐना को कॉफी डेट पर ले जाता है। और फिर यहाँ पर ऐना के साथ बात करते हुए क्रिस्टियन को पता चलता है कि ऐना का नेचर उससे बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि एक तरफ जहाँ क्रिस्टियन को प्यार मोहब्बत बिल्कुल पसंद नहीं था वहीं ऐना को प्यार मोहब्बत में बहुत ज्यादा विश्वास था। और ऐना की ये पसंद जानने के बाद क्रिस्टियन वहाँ से उठकर चला जाता है और जाने से पहले वो ऐना से कहता है कि वो ऐना के लायक नहीं है। और फिर क्रिस्टियन की ये बात सुनकर ऐना को भी बुरा लगता है और वो भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ऐना को एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर ऐना की एक फेवरेट बुक होती है और उसी में क्रिस्टियन की तरफ से एक सॉरी का कार्ड भी होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि उसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। और फिर उसी रात ऐना की फ्रेंड ऐना की ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने की खुशी में उसे बार ले जाती है और बार में आने के बाद ऐना यहाँ पर ओवर ड्रिंक कर लेती है और फिर क्रिस्टियन को बार बार कॉल करके ऐना कहती है कि वो उसका गिफ्ट वापस कर देगी और उसके बिहेवियर के लिए ऐना उसे कभी माफ नहीं करेगी। और फिर ऐना की ऐसी बात सुनकर क्रिस्टियन भी उसी बार में पहुंच जाता है जहां पर ऐना थी और वहां से वो ऐना को अपने साथ लेकर होटल आ जाता है। और फिर सुबह जब ऐना को होश आता है तो वो क्रिस्टियन से पूछती है कि क्या हम रात को इंटीमेट हो गए थे। लेकिन यहां पर क्रिस्टियन ऐना से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। और उसके बाद वो ऐना को वापस उसके घर पे पहुंचा देता है और क्रिस्टियन की इस बिहेवियर को देखकर ऐना भी खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में रेगुलरली मिलने लग जाते हैं और फिर एक दिन क्रिस्टियन ऐना से कहता है कि मैं तुम्हारे क्लोज तभी आऊंगा जब तुम एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन कर दोगी। तो ऐना क्रिस्टियन से उसके एग्रीमेंट के बारे में पूछती है तो यहाँ पर क्रिस्टियन ऐना से बताता है कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुम पर मेरा कंट्रोल पूरे तरीके से रहेगा। तुम क्या खाओगी, कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, किस तरीके से रहोगी, यानी कि तुम्हारा सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा। और एग्रीमेंट में आगे बताते हुए क्रिस्टियन कहता है कि हमारे रिलेशनशिप में तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे टच भी नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद वो ऐना को एक रूम में ले जाता है जिसको वो रेड रूम कहता था और यहाँ पर वो ऐना को बताता है कि हम जब भी सेक्स करेंगे तो इसी रूम में करेंगे और इस पूरे रिलेशनशिप में ऐना को सबमिशन बनकर रहना पड़ेगा और वो उसका मास्टर रहेगा और जब भी ऐना कोई गलती करेगी तो वो उसको सेक्स करने के टाइम पर उसको दंड भी देगा। और फिर एग्रीमेंट की सारी बातें बताने के बाद वो ऐना से कहता है कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर सकती हो। तो यहाँ पर ऐना क्रिस्टियन की बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है। क्रिस्टियन के घर से आने के बाद वो क्रिस्टियन को इग्नोर करने लग जाती है और फिर क्रिस्टियन भी खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर वो ऐना को कन्विंस करने की कोशिश करता है जिसके चलते वो ऐना को बहुत सारे गिफ्ट भी भेजने लग जाता है और फिर वो ऐना को एक लग्जरियस कार भी गिफ्ट कर देता है। और फिर क्रिस्टियन के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ऐना भी सबमिशन पर काफी रिसर्च करती है लेकिन इंटरनेट पर जैसे ही ऐना सबमिसिव लिखती है वैसे ही ऐना के सामने इंटरनेट की बहुत सारी तस्वीरें आ जाती है और उन तस्वीरों को देखकर ऐना डर जाती है जिसके बाद वो तुरंत ही लैपटॉप को बंद कर देती है और उसे लगता है कि क्रिस्टियन भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहता है और यही सोचकर वो डरने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस्टियन को भी लगता है कि वो सबमिशन वाली बात से डर रही है जिसके बाद क्रिस्टियन ऐना को फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो ऐना के साथ एक सबमिशन पोजीशन ट्राई करने की कहता है जिसके बाद से ऐना का डर खत्म हो जाता है जिसके बाद वो क्रिस्टियन के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट भी करने लग जाती है लेकिन फिर भी ऐना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती। और फिर जब एक दिन क्रिस्टियन ऐना को अपनी फैमिली के साथ मिलवाता है तब वहाँ पर ऐना बताती है कि वो कुछ दिन के लिए जॉर्जिया जा रही है जहाँ पर उसकी मॉम रहती है और वो अपनी मॉम से मिलकर वापस आएगी। और ऐना की इस बात को सुनकर क्रिस्टियन भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है लेकिन ऐना उसे समझाती है कि वो क्रिस्टियन के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहती जिसमें ऐना का खुद का कोई कंट्रोल ही ना हो और ना ही वो अपनी मर्जी से किसी को टच कर सके बल्कि वो सभी कपल्स की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। और फिर क्रिस्टियन से अपनी दिल की बात कहने के बाद ऐना अपनी मम्मा के पास चली जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद जब ऐना क्रिस्टियन से फोन पर बात करती है तब वो उसे कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और वो विश कर रही है कि काश वो उसके पास होता। और ऐना की ये बात सुनने के बाद क्रिस्टियन भी ऐना के पास जॉर्जिया पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर ऐना को सरप्राइज कर देता है। और यहाँ पर क्रिस्टियन और ऐना दोनों मिले ही होते हैं कि तभी क्रिस्टियन के पास एक फोन आता है और वो कॉल उठाने के बाद क्रिस्टियन थोड़ा सा परेशान हो जाता है जिसकी वजह से उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में
वापस आना पड़ता है और एना भी अपनी मोम से मिलने के बाद कुछ दिनों के बाद वापस आ जाती है। लेकिन एना यहाँ पर नोटिस करती है कि जब भी ये दोनों पेलम पेली करते हैं तो क्रिस्टियन एना के साथ हमेशा कुछ नया ट्राई करता है और हर बार क्रिस्टियन की फैंटेसी बढ़ती ही जा रही थी और क्रिस्टियन के इस बिहेवियर से एना थोड़ी सी हर्ट हो जाती है और वो क्रिस्टियन को कहती है कि वो उसके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप में रहे। और फिर एना क्रिस्टियन से एग्जैक्ट वजह पूछती है कि आखिर वो एना के साथ क्या करना चाहता है, जिसके लिए वो एना से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता है। लेकिन एना की ये बात सुनने के बाद क्रिस्टियन कहता है कि मेरा नेचर ही ऐसा है जिसकी वजह से वो बाकियों की तरह नहीं रह सकता और उसकी बस यही एक फैंटेसी है कि वो सबसे ज्यादा तरीकों से सेक्स करना चाहता है। अब क्रिस्टियन की ये बात सुनकर एना भी काफी गुस्सा हो जाती है और एना क्रिस्टियन से कहती है कि तुम सभी तरीकों में से सिर्फ एक तरीका मुझ पर यूज कर सकते हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। लेकिन क्रिस्टियन एना की ये बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है और उसको साथ में वार्निंग भी देता है, लेकिन एना अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और फिर आखिरकार क्रिस्टियन एना को उस रेड रूम में ले जाता है, जिसके बाद वो एना के साथ सिर्फ एक ही तरीका परफॉर्म करता है जिसकी वजह से एना को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन इसी बीच एना देखती है कि जितनी तकलीफ एना को हो रही होती है क्रिस्टियन को उतना ही मजा आ रहा होता है और इस बात से एना को क्रिस्टियन से नफरत हो जाती है और वो फिर क्रिस्टियन को छोड़कर वहां से चली जाती है। और जाने से पहले एना क्रिस्टियन से कहती है कि वो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जैसी क्रिस्टियन उसे समझ रहा है और आगे से वो कभी उससे मुलाकात भी नहीं करेगी। और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।